अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय अदर व्लॉग। तो गाइस, आज है 14 अगस्त 2024। तो 77वां को में 77वां आज़ादी का दिन है हमारा पाकिस्तानी कौम के लिए। तो जैसा कि ये बहुत अहमियत का हामिल है और इसको पूरे जोश और खरोश से मनाते हैं तमाम पाकिस्तानी, और मनाने का तरीका जो है ना, वो जो है बड़ा अजीब और गरीब होता है हमारा। वो ये है कि एक दूसरे का जो है ना जीना महाल कर देते हैं। इतना शोर शराबा, बाजे बजाने जो है, और क्या करते हैं, बाजे बजाते हैं, और इसके अलावा और शायद और इस तरह की ये जो है ना चीज़ें करने से क्या, देखो यार, क्या हमें आज़ादी जो है वो बाजे बजाने के लिए मिली है? क्या क्या हम वाकई आज़ाद हैं? और आज़ाद होकर हम जो है क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये माने रखता है, सिर्फ आज़ाद होना और आज़ाद डिक्लेयर होना जो है ना, वो माने नहीं रखता जब तक आप हकीकी मानों में प्रैक्टिकली जो है ना वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। तब तक आप आज़ाद नहीं हैं। तो आप और वो आज़ादी से आप जो ज़िंदगी गुजारें उसको मस्बत तरीके से गुजारें। ये नहीं कि आप जो है आज़ादी आपको बुरे काम करने के लिए भी तो नहीं ना मिली। आप अच्छे काम करें और अच्छी राय दें, अच्छी जो है हर चीज़ को पॉजिटिव वे में जो है अपने मुल्क को कौम के लिए करें। तो यही आज़ादी का मकसद है जिसके लिए पाकिस्तान बना है, और कायद अजम ने जो है ना इसके लिए इतनी मेहनत की है, और दूसरे रहनुमाओं ने भी। तो आज़ादी का मतलब समझें और हकीकी मानों में जो है ना आज़ादी जो है उसको हासिल करें। अगर नहीं है आपके पास, ठीक है, अगर है तो उसको आप इंजॉय करें, उसको यूटिलाइज करें, अपने लिए, दूसरों के लिए, सब के लिए जो है ना आप यूजफुल हों। यही आज़ादी है, यही इसका मकसद है। इसके अलावा अगर ये चूचरा पूपरा ये जो है ना ये चीज़ें जो है ना ये समझ से बाहर हैं, ये बच्चों वाले काम हैं। बच्चे और तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो जो है बच्चे क्या, बड़े लोग ये कर रहे हैं, अजीब मामलात हुए पड़े हैं। अपने हुकूक के लिए क्यों नहीं निकलते यार? जिस तरह 14 अगस्त पर बाहर सारे अवाम निकल पड़ते हैं बाजे बजाने के लिए और शोर गुल करने और ये वो, अपने हकूक के लिए क्यों निकलते? अजीब कौम है इनको जो है ना, जो बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं उनकी जो है ना एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या क्या अपना गंवाया है इस मुल्क को पाने के लिए। अब इस मुल्क में रहकर आप उन मकासद पर अमल कर रहे हैं, उनको मकासद को हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ माने रखती है। तो बहरहाल मैं भी आप में से ही जो है ना हूँ, आप में ही काउंट होता हूँ, मैं खुद को भी ये बातें कह रहा हूँ। ठीक है, हमें इस पर गौर करना चाहिए और अपने आप को जो है ना हमें सुधारना चाहिए, और प्रैक्टिकली जो है ना हमें अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अभी भी बाजे बज रहे हैं, देखें जी मैं इधर बैठा हूँ, हाँ, तो बाहर बाजे बज रहे हैं गली में। तो इन बाजों से निकलें और अपने जो है ना अपने कामयाबी के से झंडे गाड़ें जिनसे आपके कामयाबी के जो है ना बाजे बजे पूरी दुनिया में। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये हैं असल बाजे, ये असल बाजे बजाएं अगर आप बजा सकते हैं, अगर आप में इतनी उस्ताद है, इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है, तो ये जो है ना ये चीज़ें जो है बस बच्चों के काम हैं। फिर बच्चों को तो हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने और वो कर भी क्या सकते हैं, लेकिन बड़ों को जो है ना सीरियसली इस मामले में सोचना चाहिए। हमारा मुल्क वाकई बहुत जो है ना पीछे और बहुत दलदल में फंसा हुआ है। या तो इस मुल्क को इस दलदल से बाहर निकालें, ये दो ही हाल है, या फिर खुद इस मुल्क से निकल जाएं, इसके अलावा कोई जो है ना आपके पास बेहतरी का चारा नहीं है। और जहाँ ये मुल्क जो है इस वक्त खड़ा है ना, वो इंतहाई नाजुक मोड़ है, और हम बड़े पुराने टाइम से ये सुनते आ रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये पता नहीं नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा, कब कोई बेहतर सड़क आएगी इस रास्ते में। तो इन सब बातों का मकसद ये है कि कुछ बेहतर प्रैक्टिकल और हकीकी जो है ना होना चाहिए। खाली बातें और खाली ये जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ये हमें बहुत पीछे लेके जा रही हैं। हमें सोचना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, और हमें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करना होगा।
तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। शुक्रिया।